हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में होने वाले अगले आईपीएल मैच के बारे में। तो गाइस, ये है 54th मुकाबला जो कि 9th of May को 7:30 PM पे खेला जाएगा। टाइमिंग शाम की है। ड्यू आ सकता है नहीं आ सकता उसके बारे में चर्चा करेंगे इस मैच में। आपके लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मैच में मैं आपको बता दूंगा कौन सी टीम जीत सकती है। आपको लग रहा होगा कि कोई अदर टीम जीतेगी, बट होगा कुछ उल्टा, जैसे कि हमने SRH और RR वाले मैच में आपको बताया था, तो वैसा कुछ उल्टा इस मैच में होने वाला है। तो आपको यही बोलूंगा कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सी टीम विन कर सकती है स्टैट बेसिस पे, यानी जो पास्ट हिस्ट्री है ना वो बताएगी हमें कि कौन सी टीम आगे है कौन सी टीम पीछे है। स्टैट बेस पे हम चीजों को देखेंगे, स्किल बेस पे। 7:30 PM से मैच होगा 9th of May को। 54th आईपीएल मुकाबला है 2023 आईपीएल का। गाइस, 50,000 का गिव अवे विजन 11 ने इस मैच में भी आपके लिए रखा है। तो इसको आपको अगर जीतना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको विजन 11 ऐप डाउनलोड करनी है। टाइटल पे क्लिक करिए, आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप टाइटल पे क्लिक करते हैं, डिस्क्रिप्शन ओपन होता है, सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा विजन 11 ऐप का, और उस ऐप पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और जब आपको रेफर कोड लगाने को बोलेगा तब आपको रेफर कोड में FX लगाना है। जो भी लोग रेफर कोड FX लगा के साइन अप करेंगे उनको ₹500 का बोनस मिलेगा, प्लस 50,000 का ये गिव अवे तो चल ही रहा है, ठीक है। ये गिव अवे तो आपको मिल ही जाएगा, जो FX यूजर है उनको मिलता है, प्लस ये कोड लगाने पे, FX कोड लगाने पे आपको ₹500 का बोनस भी मिलेगा। तो फटाफट आइए और साइन अप कीजिए, ₹50,000 का गिव अवे फ्री पाइए। 1 करोड़ से ऊपर का आईपीएल लीडर बोर्ड है तो इसको भी खेलते रहिए। आईपीएल के सारे मैचेस आपको खेलने हैं, 30-30 टीम बना के लीडर बोर्ड में खेलना है ताकि आपकी रैंक्स इंप्रूव हो और ये प्राइज आप लोग जीत सके। इसके अलावा एंट्री फी तो यहाँ पे काफी कम है ही, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इस ऐप पे खेलने पे आपका फायदा ये है कि ये बहुत कम एंट्री फी में आपको कॉन्टेस्ट खिलाते हैं। सेम कॉन्टेस्ट जो आप दूसरी ऐप्स पे खेल रहे हैं, ये वाली ऐप आपको कम एंट्री फी में खिलाती है। प्लस फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, चेन्नई के साथ टाई अप भी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस मैच की। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मुकाबला होने वाला, यानी एक और हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। 108 मैच अब तक हो चुके वानखेड़े में, 49 बैटिंग फर्स्ट, 59 बैटिंग सेकंड ने जीते। एवरेज स्कोरिंग 167 की होती है, हाईएस्ट आरसीबी का है और केकेआर का 67 लोएस्ट है। आरसीबी का हाईएस्ट कितना है, 235। अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो 150 के नीचे 26 बार बनाए, 26 बार 150 से 169 भी बनाए, 170 से 189 34 टाइम्स बनाए, और 190 के ऊपर 22 बार बनाए। सबसे ज्यादा बार वानखेड़े में कौन सी रेंज बन रही है, 34 बार बनाए 170 से 189। तो ये सबसे कॉमन रेंज है वानखेड़े में स्कोरिंग की। अगर आप देखिए आखिरी 4 मुकाबले इस आईपीएल के, तो उसमें क्या पाएंगे, लास्ट मैच हाई स्कोरिंग था, इवन आप देख सकते चेज हो गया था उस मैच में। इसके पहले भी देखिए एक हाई स्कोरिंग मैच था, 200-200 बने दोनों मैचेस में, और इवन चेज भी हो रहे हैं, 185 स्कोर हुआ और 157। सिर्फ एक मैच थोड़ा सा लो रहा, उसके बाद के तीनों मैचेस, यानी आखिरी के तीनों मैचेस हाई स्कोरिंग थे। और स्पिन पेस में आप देखिए, लास्ट मैच में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद थी, उन्होंने विकेट ज्यादा निकाले। उसके पहले वाले मैच में भी फास्ट बॉलर्स ने वानखेड़े में अच्छा किया था। उसके पहले वाले मैच में लगभग स्पिन पेस का परफॉर्मेंस बराबर का था, और उसके पहले वाले मैच में स्पिनर्स को मदद रही थी। तो ओवरऑल अगर आप इस विकेट को देखें तो ओवरऑल क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। 26 विकेट फास्ट बॉलर्स ने लिए और स्पिनर्स ने 20 विकेट लिए। अब ये 26 विकेट जो फास्ट बॉलर्स ने लिए, उसमें से 16 विकेट इन्होंने फर्स्ट बॉलिंग करते हुए लिए और सेकंड बॉलिंग करते हुए 10 विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट बॉलिंग करने वाले बॉलर्स ज्यादा विकेट लेते हैं इस वेन्यू पे। स्पिनर्स का देखो, 20 विकेट टोटल स्पिनर्स ने पिछले 4 मैच में निकाली हैं, जिसमें से आप देखिए पहली इनिंग में 12 विकेट और दूसरी इनिंग में 8 विकेट निकाली। तो स्पिनर्स भी फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बेटर करते, सेकंड इनिंग में तो उनकी पिटाई होना चालू हो जाती है। आप देखिए हेड टू हेड में दोनों टीमों ने आपस में 33 मैचेस खेले, जिसमें से मुंबई ने 19 जीते और आरसीबी ने 14 जीते। तो यहां पे ओवरऑल में मुंबई थोड़ा सा आगे दिख रही है। आखिरी 4 मैचेस भी देखो इन दोनों टीमों के बीच के, यानी आरसीबी एमआई के बीच खेले गए आखिरी 5 मुकाबले, उनमें क्या हुआ है, मुंबई आखिरी 4 के 4 मैच लगातार हारी है और आरसीबी आखिरी 4 के 4 मैच लगातार जीती है। तो आउट ऑफ 5 मैचेस जो आरसीबी एमआई के बीच में हुए, आरसीबी ने 4 जीते, मुंबई ने सिर्फ 1 जीता। तो यहां से आरसीबी काफी आगे लग रही है रिसेंट फॉर्म में। अगर आप देखें टोटल मैचेस इस ग्राउंड पे कितने हुए, तो 9 मैचेस हुए, उसमें से 6 मुंबई ने जीते और आरसीबी ने 3 जीते। यानी आरसीबी और मुंबई के बीच में टोटल 9 मैचेस हुए इस ग्राउंड वानखेड़े पे, जिसमें से एमआई ने 6 जीते और आरसीबी ने 3 जीते। सेपरेटली आप देख सकते हैं आरसीबी यहां पे 16 मैचेस खेल चुकी है, 8 जीती है 8 हारी है। और अगर हम बात करें एमआई की, तो अब तक 74 मैचेस वानखेड़े में ये लोग खेल चुके हैं, 46 जीते हैं, 28 हारे हैं। तो कहीं ना कहीं वानखेड़े में रिकॉर्ड अगर आप देखें तो इनका बेटर है मुंबई का। और देखिए आरसीबी को भी इन्होंने मुंबई में बुला बुला के कई बार हराया है, 6 बार एमआई जीती, 3 बार आरसीबी, 9 मैच जो इन्होंने यहां पे खेले। अब आखिरी मैच, आखिरी कुछ मैचेस भी देख लेते हैं आरसीबी एमआई के बीच में जो मैच होते रहते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स उसमें परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं
लास्ट मैच इनके बीच में 2 अप्रैल 2023 को खेला गया था। एमआई ने 171 बनाया था और उसको आरसीबी ने चेस करा था 172 बना के। 8 विकेट से आरसीबी इस मैच को जीत गई थी। अब इस मैच में विराट कोहली ने 82 बनाया था, नॉट आउट थे। 73 डुप्लेसी, 2 विकेट करण शर्मा, 1 विकेट हर्षल पटेल। एमआई की तरफ से तिलक वर्मा 84 नॉट आउट, निहाल वदेरा 21 रन, अर्शद खान 1 विकेट और कैमरून ग्रीन को 1 विकेट मिला था। इसके पहले वाला मैच देखिए, पिछले आईपीएल का ये वाला मुकाबला, इसमें देखिए आरसीबी की तरफ से अनुज रावत ने 66 बनाया था, कोहली ने 48, हर्षल पटेल 2 विकेट, वनिधि हसरंगा 2 विकेट। एमआई की तरफ से 68 नॉट आउट रहे थे सूर्य कुमार यादव, रोहित 26, ईशान किशन 26, जयदेव उनादकर 1 विकेट। एक और मैच है 2021 का इनके बीच का, मैक्सवेल 56, विराट कोहली अगेन परफॉर्मेंस दे रहे 51, हर्षल पटेल अगेन परफॉर्म कर रहे 4 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल 2 विकेट। एमआई की तरफ से रोहित शर्मा 43, डेकॉक 24, बुमराह 3 विकेट, ट्रेंट बोल्ट 1 विकेट। एक और मैच इनके बीच का 2021 का, दो साल पुराना, मैक्सवेल 39, कोहली अगेन 33 फिर परफॉर्मेंस दिया, हर्षल पटेल 5 विकेट, ये भी हर बार परफॉर्म कर रहा है आरसीबी की तरफ से, वॉशिंगटन सुंदर 1 विकेट, मार्को जेनसन 2 विकेट यहाँ से, बुमराह 2 विकेट यहाँ से, ईशान 28 और सूर्य कुमार यादव 31 यहाँ से। तो आपको कुछ कॉमन प्लेयर्स दिख गए होंगे, कौन कौन से दिख गए? एक तो दिख गया होगा विराट कोहली, हर मैच में परफॉर्म कर रहा है एमआई के सामने। एक आपको दिख गया हर्षल पटेल, इवन डुप्लेसी ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रखा है। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज रहा है इस टीम के सामने। तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेले, सूर्या बहुत अच्छा खेले हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में देख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ के हम देखते हैं विनिंग परसेंटेज, ठीक है? तो अभी की अगर आप दोनों टीमें देखें ना, तो आपको कहीं ना कहीं एमआई की बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर लगेगी। अगर आप एक पीयूष चावला को हटा देना टीम से, तो इनकी बॉलिंग में थोड़ा सा दम नहीं बचा। बेरेंड्रोफ खेलते तो वो विकेट लेने में स्ट्रगल करते हैं, जॉफ आर्चर का तो एकदम फॉर्म सही चला गया, बाकी कुछ एक दो एक्सपेरिमेंटल बॉलर्स भी टीम खिलाती रहती है, तो इनका बॉलिंग एंड से ना काफी वीक टीम लग रहा है। और इनकी टीम बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छी लग रही है, तो मुझे लगता है ऐसा कि आरसीबी आज के मैच में जीत सकती है। लोगों को लगेगा एमआई जीतेगी, बट मुझे तो यार लग रहा है कि आरसीबी इस मैच को जीतेगी। 55% चांस आरसीबी और 45% चांस एमआई। एमआई भी बहुत अच्छी टीम है, बट बॉलिंग में थोड़ा सा कमजोर लग रही है ये टीम, बॉलिंग में अच्छी लग रही है। बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो इनकी प्लेइंग 11 में कैमरून ग्रीन ओपन करेंगे ईशान किशन के साथ, नंबर 3 पे आएंगे रोहित शर्मा, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट है, रोहित शर्मा वैसे ओपनर बैट्समैन है, नंबर 3 नंबर 4 के बैट्समैन है ही नहीं, और पिछले मैच में तो 0 पे आउट हो गए इस पोजीशन पे आके, तो शायद अपने आप को वापस से ये ओपन करें और ग्रीन को 3 या 4 पे भेज दें। इवन पिछले मैच में वदेरा को ऊपर भेजा गया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट वो पोजीशन सूर्य कुमार यादव की थी नंबर 3 की, जो बिगाड़ी गई, जिसके चलते सूर्या ने भी परफॉर्मेंस दिया बट बहुत अच्छा नहीं दे पाए। तो कहीं ना ये रोहित शर्मा ना टीम में गड़बड़ कर रहे हैं, खुद तो अच्छा खेल नहीं रहे, बाकी बैटिंग ऑर्डर बिगाड़ के टीमों का नाश कर रहा है पूरा, है ना? तो इनकी वजह से दिक्कत हो रही है टीम में। अब एक आपको वो करना पड़ेगा कि रोहित शर्मा को आपको हर मैच में आई थिंक या तो ले लो या तो छोड़ दो, ये नहीं कभी ले लिया कभी छोड़ दिया। और ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं, बाकी लास्ट में मैं भी फंस जाता हूं और इनको टीम में ले लेता हूं, ठीक है? तो भाई देख लो क्या करना है रोहित शर्मा का। वदेरा यहां पे रहेंगे, सूर्य कुमार यादव यहां, पता ही नहीं इनकी बैटिंग पोजीशन कहीं भी कुछ भी चल रही है। ट्रिस्टन स्टब्स को पिछले मैच में खिलाया 6 पे, प्लस बैटिंग करी, प्लस 2 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला था। टिम डेविड है टीम के पास, जॉफ आर्चर का फॉर्म एकदम ही खराब चल रहा है, पर प्लेयर बहुत अच्छा है, 4 ओवर पूरे डालेगा, डेथ ओवर्स में आएगा। चावला का फॉर्म बहुत अच्छा है, हर एक मैच में विकेट निकाल रहे। आकाश मधवाल पता नहीं टीम क्यों खिला रही, अर्शद पिछले मैच में बहुत पिटे थे, पता नहीं टीम क्यों खिला रही। तो इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है। पीयूष चावला 4 ओवर पूरे करेंगे, जॉफ आर्चर 4 ओवर पूरे करेंगे, बाकी किसी बॉलर का कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है? बैटर्स में आपको पता है ईशान किशन एक ठीक कर रहे परफॉर्मेंस, सूर्य अच्छा करते हैं लॉन्ग टर्म में, कैमरून अच्छा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टीम के परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। लेफ्टी बैट्समैन ईशान किशन है इनके पास, वदेरा है, ठीक है? और इनके पास एक्स्ट्रा पेस में जॉफर आर्चर है, जिनका फॉर्म अभी खराब चल रहा है। अब देखो रोहित शर्मा छोड़िए, पहले कैमरून ग्रीन को देखिए। रिसेंटली फॉर्म ग्रीन का बहुत अच्छा चल रहा है, पिछले एक दो मैच थोड़े से एवरेज गए हैं, बॉलिंग काफी एवरेज चल रही है इनकी, बट ओवरऑल प्लेयर बहुत अच्छा है, कप्तानी वाइज कप्तानी दी जा सकती है। आरसीबी के सामने रिकॉर्ड 5 रन और 1 विकेट है लास्ट मैच में, और इस वेन्यू पर रिकॉर्ड देखे तो आखिरी 2 मैचेस से बैटिंग बहुत अच्छी करी है और बॉलिंग भी ठीक ठाक करी हुई है, अच्छा प्लेयर है, लेना चाहिए आपको। ईशान किशन को देखिए, पिछले मैच में 7 रन, उसके पहले 75 रन, उसके पहले 28-13, इस टाइप की परफॉर्मेंस है। इस आईपीएल में ये एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छी नहीं बहुत खराब भी नहीं दे रहे, ओवरऑल आपको लेना चाहिए। हेड टू हेड में रिकॉर्ड देखेंगे तो खराब है, वेन्यू पे रिकॉर्ड देखें तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। रोहित शर्मा पता नहीं इनको क्या हो गया, पिछले 5-4 मैच से 5 रन भी नहीं बनाए प्लेयर ने। आप इसको ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, मैं तो शायद छोड़ दूंगा इस बार,
हेड टू हेड में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, वेन्यू पे भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं कैरी करते रोहित शर्मा, 3-4 मैच में 1-40 बना देते हैं। नेहाल बदेरा पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले, 64 रन का स्कोर किया, बट दिक्कत यह है कि इनको टीम खिलाएगी कहाँ पे। पिछले मैच में तो जल्दी जल्दी विकेट गिर रहे थे तो बदेरा को ऊपर भेज दिया गया, बट अगर ये लोग थोड़ा सा टिक के खेल गए तो बदेरा वही अपनी नेचुरल पोजीशन नंबर 6 के आसपास ही खेलेंगे, ठीक है। और सूर्या को नंबर 3 पे आना चाहिए अगर रोहित शर्मा खुद ओपन करे और ग्रीन को 4 पे भेजे, यही होना चाहिए। जबरदस्ती का बैटिंग ऑर्डर बिगाड़ा हुआ है। वदेरा का देखें परफॉर्मेंस तो लास्ट टाइम 21 बनाया था आरसीबी के सामने, इस वेन्यू पर लास्ट 2 मैचेस से स्कोरिंग नहीं कर पा रहे। सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में 26 बनाया, उसके पहले 2-3 मैच बहुत अच्छे करे। इसके अलावा हेड टू हेड में देखें तो आखिरी 4 मैच में 2 बार अच्छा किया है सूर्या ने, और इस वेन्यू पर रिकॉर्ड सूर्या का बहुत अच्छा रहता है। आप देखिए 55, 57, 43, बट सूर्या को अगर टीम 3 पे खिलाए तो इस स्कोर की शायद मैं गारंटी ले सकूं, बट अगर नंबर 5, नंबर 4 पे खिलाएंगे तो सूर्या उस बैटिंग पोजीशन पर उतना कंफर्टेबल नहीं होते। रिकॉर्ड बहुत अच्छे सूर्या के इस ग्राउंड पे। फिर आते हैं ट्रस्टन स्टाफ, जिनको पिछले मैच में खिलाया गया और इनसे 1-2 ओवर बॉलिंग कराई गई, 1 विकेट भी इवन इनको मिला था, ठीक है। पहली बार आरसीबी खेलेंगे, पिछले 3 मैचेस इस वेन्यू पे इनके अच्छे गए नहीं है। टिम डेविड की बात करें तो फिनिशर है टीम के लिए, ग्रैंड लीग्स वगैरह भी ट्राई करिएगा। अपोजिशन टीम आरसीबी के सामने लास्ट टाइम 4 रन थे, वेन्यू पर रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, ये वेन्यू इनको बहुत सूट करता है। फिर आते जोफ्रा आर्चर, पिछले 3-4 मैचेस अगर आप इनके देखें तो बहुत खराब गए हैं, इवन विकेट अब इनको मिलने ही बंद हो गई है। अपोजिशन टीम आरसीबी के सामने रिकॉर्ड बहुत खराब है, वेन्यू पर रिकॉर्ड फिर भी थोड़ा सा अच्छा है जोफ्रा आर्चर का। पीयूष चावला इस जैसा भी कोई बॉलर ही नहीं है इस टीम में, आप देखो पिछले 6 मैचेस से हर मैच में 2-2 विकेट निकाल रहा है, अगर आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी करो ना तो हर मैच आप जीतोगे। पीयूष चावला आरसीबी के सामने अच्छा नहीं खेले, यानी जो लास्ट कुछ मैचेस खेले ना उसमें इनको विकेट नहीं मिली आरसीबी के सामने। इसके अलावा इस वेन्यू पे भी रिकॉर्ड चावला का अच्छा है। फिर आते हैं मधुबाल अर्शाद, जिनकी बॉलिंग बहुत एवरेज है, इवन अर्शाद की तो बहुत पिटाई पिछले मैच में हुई थी, लास्ट टाइम अर्शाद ने 1 विकेट निकाला था आरसीबी का। मधुबाल पहली बार खेलेंगे आरसीबी को, इस वेन्यू पे भी 3 विकेट अर्शाद ने निकाले थे लास्ट टाइम जब खेला था। ये एक अच्छा एडवांटेज है अर्शाद को लेने का ग्रैंड लीग वालों के लिए कि लास्ट टाइम 3 विकेट इस वेन्यू पे इसको मिले थे, तो कहीं ना कहीं इस वेन्यू पे थोड़ी सी मदद इसको मिल रही थी। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर्स की, इनके पास अर्जुन तेंदुलकर हैं, ऋतिक शौकीन है, बाकी भी प्लेयर्स देख लो जो अवेलेबल हैं, सबके स्टैट लिखे हुए, आप बस थोड़ा सा नजर डाल लेना, ठीक है। बाय चांस कोई प्लेयर खेल जाता है जैसे रमनदीप सिंह तो उनके इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो इस टाइप से आप प्लेयर को फिर ले सकते हैं स्टैट देखने के बाद। बाकी प्लेयर्स के स्टैट भी लिखे हुए मैंने, उनके भी स्टैट देख लीजिएगा, इस वेन्यू पर कैसे हैं प्लस कैसा कहाँ पर खेला हुआ है सब कुछ मेंशनड है। अब मुंबई की टीम के प्लेयर्स का रिकॉर्ड, अपोजिशन टीम आरसीबी के सामने कैसा है, रोहित शर्मा ने आरसीबी के सामने 30 मैच खेले हैं, 786 रन से 28 के एवरेज से। ईशान किशन 11 मैचेस खेले, 273 रन से आरसीबी के सामने 24 के एवरेज से। सूर्य कुमार यादव ने आरसीबी के सामने 16 मुकाबले खेले, 342 रन से और बैटिंग एवरेज 31 के आसपास की है। फिर आई टिम डेविड 1 मैच में 4 रन 0 विकेट, तिलक वर्मा 2 मैच में 84 रन से अगेंस्ट आरसीबी। इसके बाद कैमरून ग्रीन 1 मैच खेला आरसीबी के सामने, 5 रन 1 विकेट है। जोफ्रा के 5 मैच में 2 विकेट है मात्र, आप देखिए आरसीबी के सामने सिर्फ 2 विकेट निकाले हैं जोफ्रा ने पिछले 5 मैचेस में, खराब परफॉर्मेंस है। चावला के 22 में 19 विकेट है, मेरेडिथ का 1 में 1 विकेट है, बैरन ड्रॉफ का 2 में 1 विकेट है। अपोजिशन टीम आरसीबी के सामने सारे बोलर्स फ्लॉप जा रहे हैं इनके, चावला फिर भी एक अच्छे बोलर है। अब बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 की, जिसमें ओपन करेंगे विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस, नंबर 3 पे आएंगे ग्लेन मैक्सवेल या फिर लुमरार भी आ सकते हैं, लुमरार पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे। अनुज रावत को भी कभी कभी टीम नंबर 3 पे खिला लेती है, इनकी बैटिंग ऑर्डर में भी काफी डिफरेंसेज है, बट ओपनिंग प्लेयर तो यही रहेगा जो अच्छा कर भी रहा है। फिर दिनेश कार्तिक आएंगे एज अ फिनिशर, वनिधु हसरंगा इनके पास अवेलेबल है, स्पिन डिपार्टमेंट में करण शर्मा है, पेस डिपार्टमेंट में इनके पास हेजलवुड सिराज है और हर्षल पटेल है, जिसमें अगर आप देखें विकेट टेकिंग प्लेयर अपोजिशन टीम के सामने तो वो हर्षल पटेल होता है, और प्लस सिराज भी इस टाइम पे अच्छे फॉर्म में, हेजलवुड का फॉर्म भी ठीक है, करण का फॉर्म भी अगर आप देखें तो स्पिन विकेट्स जहां होते हैं जहां पे स्पिनर्स को मदद होती है करण भी अच्छा कर रहे हैं। और वनिंदु का परफॉर्मेंस इस साल एवरेज गया, वरना ये लगभग आप देखिए हर मैच में 2-3 विकेट निकालने वाले प्लेयर हैं, बट आप देखेंगे मोस्टली अब हर मैच में 1-2 विकेट के आसपास ही ले पा रहे हैं, एवरेज फॉर्म है बट प्लेयर बहुत अच्छा है। अब जल्दी से इस टीम का फॉर्म देख लेते हैं कैसा क्या फॉर्म चल रहा है, तो फटाफट बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली पिछले 2-3 मैचेस से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जरूर कम है बट एंकर कर रहे हैं। अगर इनकी टीम एकदम से ड्रॉप होती ना, एकदम से अगर विकेट गिरना चालू होते तो विराट कोहली अपना विकेट नहीं फेंकते, फिर वो आराम से खेलते हैं, और हमें फैंटेसी में चाहिए क्या है कि प्लेयर रन्स बनाए ज्यादा से ज्यादा, बस वही इंपॉर्टेंट है। तो विराट कोहली आपके लिए कप्तानी वाइस कप्तानी के अच्छे पिक इस मैच में हो सकते हैं, वैसे विकेट बैटिंग फ्रेंडली है और विराट को आपको पता है पेस पसंद है, और पेस यहाँ पे काफी होता है, आपको पता है पेसर्स को ज्यादा मदद भी रहती है वानखेड़े में, तो मुझे लगता है विराट कोहली इस मैच में चलने वाले हैं। इवन आप देखो एमआई के अगेंस्ट ये बहुत आराम से खेलते हैं, बहुत मतलब मजे से खेलते हैं, आप देखिए एमआई के बोलर्स की बहुत पिटाई करी है, प्लस इस वेन्यू पे लास्ट टाइम 73 बनाया था, तो विराट तो मेरे कैप्टन इस मैच में रहने वाले हैं। फाफ डुप्लेसिस ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, प्लस आप देखिए एमआई के सामने रिकॉर्ड इनका पिछले 4 मैच में 2 बार अच्छा है 2 बार खराब है, इस वेन्यू पे 44 और 73 के 2 स्कोर भी हैं फाफ डुप्लेसिस के लास्ट टाइम जब खेले, इंपॉर्टेंट है। ग्लेन मैक्सवेल को देखिए पिछले 3 मैच खराब गए, एज अ बैटर
और एज अ बॉलर भी कुछ खास नहीं कर रहे। तो मैक्सवेल का थोड़ा सा फॉर्म खराब चल रहा है, बट आप इसको टीम में ले लो, पता नहीं कब क्या कर जाए। कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, बस टीम में ले लेना। ये देखिए इनका रिकॉर्ड अगेंस्ट मुंबई इंडियंस ठीक ठाक दिख रहा है, और इस वेन्यू पे रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा है एज अ बैटर। महिपाल लोमरार पिछले मैच में 54 का स्कोर किया, बट कुछ एक आध ओवर बॉलिंग करी जिसमें विकेट नहीं मिला। पिक अच्छे हैं, ग्रैंड लीग वाले प्लेयर हैं, स्मॉल लीग में थोड़े से रिस्की होते हैं, स्मॉल लीग में मैं प्रेफर नहीं करता महिपाल को, आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगेंस्ट MI 11 रन थे पिछले मैच में, और इस वेन्यू पे लास्ट दो मैचेस से बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग नहीं कर रहे, उसमें विकेट नहीं है। अनुज रावत की बात करते हैं, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, हालांकि लास्ट टाइम MI के सामने पिछले IPL में 66 रन बनाए थे इसी प्लेयर ने, अनुज रावत ने, ध्यान रखिए ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। और अगर टीम ने इसको तीन पे भेजा, वापस से वैसी कुछ परफॉर्मेंस दे दी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वेन्यू पे रिकॉर्ड भी देख लीजिए। अब हम बात करते हैं दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक का फॉर्म आपके सामने है, ये देख सकते हैं, कोई खास फॉर्म नहीं है। पिछले IPL तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बट ये वाला IPL पूरा खराब गया है। MI के सामने रिकॉर्ड खराब है, वेन्यू पे एक बार 66 एक बार 30 का स्कोर किया है। लास्ट मैच जो इस वेन्यू पे खेला उसमें सिर्फ 2 रन है दिनेश कार्तिक के। वरिंदु हसरंगा पिछले मैच में विकेट लेस गए, उसके पहले 1 विकेट 2 विकेट 0 2 1 1, तो एक आधी विकेट हर मैच में लेता है। अगर आप एक एवरेज तौर पर देखें तो ये IPL हसरंगा का उतना अच्छा गया नहीं है। अगर आप देखें MI के सामने तो लास्ट टाइम 2 विकेट निकाले थे, इस वेन्यू पे एक बार 5 विकेट भी चुके वरिंदु हसरंगा। फिर आते करण शर्मा, इनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेंगे, बट विकेट काफी ले रहा है इस बार। अगर आप देखें MI के सामने रिकॉर्ड, तो लास्ट टाइम 2 विकेट निकाले थे, वेन्यू पे भी हर बार एक आध विकेट तो करण शर्मा लेते ही हैं। फिर आता इनका पेस डिपार्टमेंट, हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, जिसमें हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज डेथ ओवर के आसपास बॉलिंग करेंगे, मतलब आखिरी के 4 ओवर लगभग मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल ही करने वाले हैं। तो ये बोलर्स तो आपको लेने, इस टाइम फॉर्म में भी है और हर एक मैच टीम के लिए खेल रहे, खास करके मोहम्मद सिराज। तो ये देखिए पिछले मैच में तो एज एन इंपैक्ट पर हर्षल को रखा गया था, फिर आए थे। ये देखिए परफॉर्मेंस कितना अच्छा हर्चल का अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, सबसे अच्छा खेलते हैं हर्चल पटेल। ये देखिए बाकी प्लस के हेड टू हेड उतने अच्छे नहीं है, बट हर्चल का हेड टू हेड बहुत ज्यादा अच्छा है। प्लस इस वेन्यू पे अगर आप रिकॉर्ड देखें तो हेजलवुड का बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हेजलवुड हर्चल पटेल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड लीग में, और स्मॉल लीग में भी होंगे, इस मैच में तो खास करके होंगे, आपको ट्राई करना चाहिए इनको। एक्स्ट्रा प्लेयर्स इनके पास ये हैं, देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स, रीसेंट फॉर्म उनकी कैसी है, MI के सामने पहले कैसा खेला है, और इस वेन्यू पे अगर पहले खेला है तो कैसा खेला है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं सारे के सारे, जिनका टीम कभी कभी सब्स्टिट्यूट में यूज कर लेती है। जादव का पिछले मैच में यूज किया गया डायरेक्ट प्लेइंग 11 में, ना बैटिंग दी ना बॉलिंग दी, पता नहीं क्यों खिला रहे थे। ये इनका MI के सामने रिकॉर्ड है, और ये इन प्लेयर्स का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड है। यहाँ पे देखिए शहबाज अहमद का काफी अच्छा रिकॉर्ड दिख रहा है अगेंस्ट हेड वेन्यू, ठीक है। अब जल्दी से बात करते हैं RCB के प्लेयर्स का रिकॉर्ड MI के सामने कैसा है। 30 मैच खेले विराट कोहली ने, 851 रन है, 32 की बैटिंग एवरेज से खेले हैं। विराट कोहली का बैटिंग एवरेज 32 का है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। डुप्लेसी ने 18 मैच में 436 रन बनाए हैं 25 की बैटिंग एवरेज से। मैक्सवेल ने 16 मैच में 369 रन बनाए, 3 विकेट भी लिए, 24 का बैटिंग एवरेज, 43 का बॉलिंग एवरेज है। दिनेश कार्तिक ने 24 मैच में 345 रन बनाए अपोजिशन टीम के सामने, ये देखिए 21 का बैटिंग एवरेज है MI के सामने। शहबाज अहमद ने 2 मैच खेले MI के सामने, 2 रन बनाए हैं, 0 विकेट है। इसके बाद आगे चलिए, हसरंगा ने 1 मैच खेला, 2 विकेट निकाले MI के। हेजलवुड ने 2 मैच में 1 विकेट MI का निकाला। अब आता है इनका सबसे अच्छा बॉलर, RCB का सबसे अच्छा बॉलर हर्षल पटेल, जिसने 12 मैचेस में मुंबई के सामने 21 विकेट ले चुका है। ये बहुत परेशान करेगा आज के मैच में। 14 की बॉलिंग एवरेज है, यानी हर 14 रन खाने के बाद 1 विकेट निकालता है MI का। पर्नेल के 5 में 3 विकेट, सिराज के 10 में 9 विकेट है। इसके बाद थोड़े से प्लेयर बैटल देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पीयूष चावला है, 105 बॉल पे 140 रन खा चुके विराट कोहली के सामने, 3 बार विकेट लिया। फाफ डुप्लेसिस के सामने भी देखो, पीयूष चावला ने 55 गेंदों पे 52 रन देकर 2 बार विकेट लिया है। और यहाँ पे आर्चर 18 गेंदों में 22 रन देके डुप्लेसी के 2 बार विकेट ले चुके, तो आर्चर थोड़ा सा परेशान करेंगे डुप्लेसी को। बाकी विराट अच्छा खेल रहे सबके सामने, खास करके आर्चर के सामने 38 गेंदों में 55 रन बनाए, अब तक विकेट नहीं दिया, जबकि आप देखिए 18 गेंदों में 2 बार डुप्लेसी का विकेट आर्चर ले चुके हैं। इसके बाद देखिए मैक्सवेल का भी, चावला ने 3 बार विकेट निकाला है, आर्चर ने 2 बार मैक्सवेल का विकेट निकाला है। फिर नीचे देखिए, चावला ने कार्तिक का 2 बार विकेट निकाला है, आर्चर ने 1 बार विकेट दिनेश कार्तिक का, और कैमरन गिल ने भी 1 बार विकेट दिनेश कार्तिक का निकाला है। आगे बढ़ते हैं, रोहित शर्मा 1 बार विकेट मैक्सवेल लेके गए हैं, सिराज की शर्मा ने बहुत पिटाई करी है, हर्षल बहुत परेशान करते हैं रोहित शर्मा को, 23 गेंदों में 27 रन और विकेट 3 बार लिया है। तो हर्षल का इस्तेमाल कर सकती है RCB अगेंस्ट रोहित शर्मा। ईशान किशन का देखिए, मैक्सवेल अब तक विकेट ले नहीं पाए, सिराज ने 2 बार विकेट निकाला, हर्षल ने 1 बार विकेट निकाला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्काई
सूर्य कुमार यादव, मैक्सवेल को ज्यादा फेस नहीं करा, सिराज को जितना फेस करा 21 गेंदों में 44 रन बनाए हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से मारा है सिराज को सूर्य कुमार यादव ने, एक बार विकेट लिया सिराज ने, और 20 गेंदों पे हर्षल पटेल की 30 रन है सूर्य कुमार यादव की, एक बार विकेट लिया है हर्षल ने इनका। तिलक वर्मा का ज्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जल्दी से हम टीम देख लेते हैं, तो टीम क्या बनानी है, उससे पहले कहां खेलना है, आपको खेलना है विजन 11 एप्लीकेशन पे, और रेफर कोड क्या लगाना है साइनअप के लिए, रेफर कोड लगाना है FX, जो भी लोग रेफर कोड FX लगा के साइनअप करेंगे उनको ₹500 का बोनस मिल जाएगा, तो फटाफट कोड लगाइए FX, साइनअप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ₹500 का बोनस मिलेगा और 50,000 का रोज गिव अवे मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। मेरी टीम में ईशान किशन ने विकेट कीपिंग सेक्शन में एक ही बहुत अच्छे ऑप्शन है, प्लस आपको पता है 180-200 वाली विकेट है तो इनको तो लेना पड़ेगा। विराट कोहली मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन मेरे फाफ डुप्लेसिस है, सूर्य कुमार यादव को मैंने टीम में जगह दी है, आपकी मर्जी, आप रोहित शर्मा को भी ले सकते हैं, बट अब मैं रोहित शर्मा को बिल्कुल भी नहीं लूंगा, खेलते नहीं बन रहा, कॉन्फिडेंस खत्म है, और ओपनिंग स्लॉट भी अब अपना छोड़ दिया है तो वहां से भी दिक्कतें हैं। रोहित शर्मा आप चाहे तो ले सकते हैं, बैटिंग विकेट है, पहले बता रहा हूं, मुझे ब्लेम मत करना बाद में वो 40-50 मार दे तो, मैं बस टीम में पिक नहीं करूंगा, आपकी मर्जी, लेना हो तो लो, ना लेना हो तो मत लो रोहित शर्मा, ठीक है। कैमरन ग्रीन में जरूर लूंगा, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं प्लस बॉलिंग बैकअप रहेगा। मैक्सवेल कुछ खास तो नहीं कर रहे, पिछले 3-4 मैच पूरे फ्लॉप गए हैं, बट फिर भी क्योंकि बैटिंग विकेट है प्लस थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकते हैं, सो इनको आप टीम में ले सकते हैं। हसरंगा को मैं टीम में पिक कर रहा हूं, बट इन पे भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी एवरेज चल रही, बैटिंग आती नहीं है, तो आप इनकी जगह पे भी चाहें तो किसी बैटर को ट्राई कर सकते हैं। फिर मेरी टीम में हर्षल पटेल आएंगे, हेजल वुड आएंगे, मोहम्मद सिराज आएंगे और पीयूष चावला आएंगे। देखिए अगर फर्स्ट बॉलिंग मुंबई की रहती है तो इवन आप जोफ्रा आर्चर को ट्राई कर सकते हैं जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, बट दिक्कत क्या हो रही है मुंबई इंडियंस की तरफ से, जोफ्रा आर्चर अच्छे फॉर्म में नहीं है, प्लस बाकी के गेंदबाज भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे, प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहे कि जोफ्रा आर्चर को विकेट कोई दे दे तो बाकी बोलर्स तो अच्छा करे, बाकी बोलर्स भी बहुत एवरेज खेल रहे, तो कहीं ना कहीं मुंबई की बॉलिंग कमजोर लग रही है। ये मेरी टीम है विजन 11 पे, इसमें कोई अपडेट दूंगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, कप्तान मेरे कोहली, वाइस कप्तान डुप्लेसी है। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया है मैंने, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, मेरा कमेंट खोलिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।